अब VS कोड में मेरे पास मेरे कुछ यूज़ के लिए एक्सटेंशन हैं जो मैं यूज़ करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स, और कुछ मेरी अपनी सेटिंग्स भी हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंशंस, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप VS कोड यूज़ करते हो तो प्रॉबेबली आपके पास कोई अपने कस्टम की बाइंडिंग भी होगी, कुछ कस्टम शॉर्टकट्स होंगे। जैसे मेरे पास एक है ये रहा कंट्रोल F5 दबाने से मैंने रखा हुआ है कि मेरा एडिटर रीलोड होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी सेटिंग्स एक जगह पर सिंक हों, जिसे अगर मैं कभी विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करूँ या दूसरी जगह पर मैं अगर चाहूँ कि मेरी सेटिंग्स किसी दूसरे VS कोड में भी आ जाएं, तो उसके लिए क्या तरीका है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप सर्च करोगे सेटिंग्स, तो पहला एक्सटेंशन आपके पास आएगा सेटिंग्स सिंक के नाम से, जो हमारे किसी शान भाई का है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट्स में डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड की और डाउनलोड की। शिफ्ट ऑल्ट यू ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट पी, तो आपके पास कमांड पैलेट खुल जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं सिंक, तो यहाँ से जो है ना आपके पास एक्सटेंशन का नेम और उसके अगेंस्ट जो जो आपके पास कमांड अवेलेबल होगी वो आ जाएगी। तो अपलोड पे चलते हैं। जैसे हमने अपलोड पे क्लिक किया, अच्छा मेरी सेटिंग्स पहले से कुछ थी तो सेटिंग रीसेट कर लेते हैं पहले। सिंक रीसेट, सेटिंग रीसेट हो गई। दोबारा से अपलोड, जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खोल देगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है कि इसे पर्सनल गिटहब का पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिए। तो अगर ये पेज आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ना खुले तो आप अपनी सेटिंग्स में आकर यहाँ से डेवलपर्स सेटिंग और फिर पर्सनल एक्सेस टोकन में यहाँ से आप जो है जनरेट कर सकते हैं टोकन, जो मर्ज़ी आप नाम दे दो इसको। और यहाँ से आपने जिस्ट जो है इसे अलाउ करना है एक्सेस, उसके बाद जनरेट। अच्छा, ये कह रहा है कि इसको आप कॉपी कर लो और दोबारा जब आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड में भी इसे सेव कर लेता हूँ, बताता हूँ थोड़ी देर में क्यों किया नोटपैड में सेव। अच्छा, उसके बाद यहाँ पेस्ट करेंगे एंटर, इसने सारे सेटिंग्स को हमारे बैकअप बनाकर रख दिए। अच्छा, जैसे ये सेटिंग जो है इसने बैकअप बनाया, इसने हमें एक आईडी दी है, ये आईडी भी ये कह रहा है कि कॉपी करके रख लो। अगर आप इसे कॉपी कर लो तो मतलब कॉपी करना चाहो तो कर लो, अगर नहीं किया आपने कॉपी तो इसे किस तरह फाइंड करते हैं इसका भी तरीका देखते हैं। यहाँ से हम चलेंगे gist.github.com और यहाँ से ये रहा सी ऑल ऑफ योर जिस्ट, और यहाँ पर आपके पास ये रहा क्लाउड सेटिंग पहले वाली है, ये आईडी है जो उसने वहाँ पर आपको शो की थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब हमारे एक्सटेंशन का डेटा हो गया और हमारे की बाइंडिंग के बारे में, की बाइंडिंग की जो मतलब सेटिंग्स हैं और आपके सेटिंग्स डॉट जेसन और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसने अपने पास यहाँ पर सेव कर ली हैं, कि आपकी गिटहब प्रोफाइल में है लेकिन सेव कर ली है। लेट्स से हमने विंडोज़ किया है या किसी दूसरे जगह पर VS कोड है, इसमें हम चाहते हैं कि हमारी सेटिंग्स जो हैं वो दोबारा से आ जाए। अभी ये खाली, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। और अगर मैं आपको दिखा दूँ सेटिंग्स डॉट जेसन, ये भी खाली है। अब हमें अपनी सेटिंग्स जो हैं वो इसमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से दोबारा वही एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ आते हैं ना, तो अब हमें अपलोड नहीं करना, अब हमें डाउनलोड करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी और यहाँ से ये डाउनलोड, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो आप। अब ये कह रहा है ये आपको इसे एक्सेस टोकन चाहिए, आप जनरेट करना चाहो तो जनरेट कर लो, या हमने जो कॉपी करके रखा था इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एंटर किया, अब ये आपसे जिस्ट की आईडी मांग रहा है, तो जिस्ट की आईडी हम दोबारा वहीं से उठाते हैं gist.github.com, और ये रही क्लाउड सेटिंग्स और यहाँ पर हमारी आईडी, इसे कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट एंटर। अब ये सारे जो आपकी सेटिंग्स हैं उसे डाउनलोड करेगा और फिर उन्हें इंस्टॉल भी कर देगा।
अब जितनी आपकी सेटिंग्स थी, जो आपकी सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल थी या आपके एक्सटेंशंस वगैरह थे, वो सारी चीज़ें जो है अब आपके इस वी एस कोड में भी आ गई हैं। आप जितनी दफ़ा चाहो उस बैकअप को, जितने मर्जी आप वी एस कोड में जो है ना वो दोबारा से डाउनलोड करके अपनी सेटिंग्स, मतलब अपना जो आपकी सेटिंग्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी हम जो है एक्सेस टोकन एहतियाती तौर पर डिलीट कर देते हैं और ये आपका काम हो गया। अच्छा, इसे रीलोड भी करना है। जब जैसे ही अपना एडिटर रीलोड करोगे, आपकी जो भी सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना ही से काम था। अच्छा, अगली वीडियो जो आ रही है वो आ रही है रिएक्ट नेटिव के बारे में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ तो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।